कभी कभी ना कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और हम ना उन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, बट यही छोटे मोटे प्रोडक्ट्स ना आपके घर को, आपके किचन को बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड कर देती है। तो इसी तरह ना मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ मीशो से अमेजिंग अमेजिंग बाय जो होंगे किचन और होम डेकोर से रिलेटेड। सो ये जो प्रोडक्ट्स है ना, जब से मैंने लिए हैं, मेरी जो किचन की जो गेम है वो बहुत ज़्यादा सॉर्ट हो गई है। मतलब थोड़ी सी हेल्प ज़रूर मुझे इन प्रोडक्ट से मिली है, एंड जो होम डेकोर के आइटम्स भी है ना, उनसे भी जो छोटे छोटे कॉर्नर्स है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफाई हो गए हैं। सो ये पूरे प्रोडक्ट्स देखने के लिए ना आपको पूरी वीडियो को ज़रूर देखना पड़ेगा एंड तक। एंड इस वीडियो में ना मैं आपको विद प्राइसेस सारी डिटेल्स देती रहूंगी, एंड जितने भी लिंक्स होंगे ना सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो जरूर चेक कर लेना। एंड इफ यू वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हाई आई एम साक्षी, आई मेक वीडियोज ऑन फैशन, मेकअप, स्किन केयर, फूड, ट्रैवल एंड मच मोर। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो जो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है ना वो कुछ होम डेकोर का आइटम है, एंड ये ना सेट ऑफ टू मुझे मिला था, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। इसके साथ ना मुझे बोल भी मिला था, एंड अंदर का जो डेकोरेशन आइटम्स है ना वो मैंने खुद ही डाला है, सीशेल वगैरह इसके अंदर। तो इसकी जो फिनिशिंग है काफ़ी ज़्यादा मुझे एंटीक सी लगी, और अगर आप इसको नॉर्मली भी यूज़ करो ना तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप इसको टेबल पे रख सकते हो, जैसे मेरी तरह इस कॉर्नर पे रख सकते हो। एंड मैंने ये भी सोचा था कि अगर कोई आए ना गेस्ट तो आप इसके अंदर नमकीन वगैरह भी सर्व कर सकते हो, कुछ इस तरह से लगता है। एंड जो सेकेंड वाला है ना वो मैंने दूसरे रूम में रखा है। तो ये दो का सेट ना मुझे मिला था 400 रुपीज़ का, एंड 400 के अंडर ना ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, एंड पूरे लुक को ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है, एंड काफ़ी ज़्यादा एंटीक लुक भी दे रहा है आपके कॉर्नर को। अब बात करते हैं इस मॉन्स्टेरा लीफ की, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर क्वालिटी में आई है, एंड ये मुझे मिली है ओनली फॉर 250 रुपीज़। 250 के अंदर ना मुझे ये 6 का सेट मिला है, तो मैंने अलग अलग लगा दिया है। यहाँ पे मैंने 2 लगा दिए हैं एंड बाकी कुछ अदर प्लांटर्स में लगा दिया है। तो अगर बात करते हैं इसकी क्वालिटी की ना, तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा नेचुरल से लग रहे हैं, बिल्कुल भी फेक सी फीलिंग नहीं आ रही है। एंड इसको ना मैंने इस बहुत ही प्यारे से कैक्टस वाले प्लांटर के अंदर लगा दिया है। ये ना प्लांटर मैंने बंजारा मार्केट से लिया था ओनली फॉर 50 रुपीज़, बट ऑब्वियसली आप बंजारा मार्केट को बीट नहीं कर सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो गेट इट फ्रॉम मीशो। मीशो का भी जो लिंक होगा ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बिकॉज बंजारा मार्केट जाना भी सेम ही एक्सपेंसिव पड़ जाता है। सो अगर आपको ये भी पसंद आया ना तो आप ये भी ले सकते हो, इसके साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो कुछ ये मेरा कॉर्नर ना इस तरह का लग रहा है, एंड मुझे तो बहुत ही प्यारी इसकी वाइब लग रही है। बात कॉर्नर की ही चल रही है, तो इसी तरह ना कॉर्नर को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए ना मैंने यहाँ पे लगा दी है ये उल्ली, एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड इसका जो डिज़ाइन है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। मैंने ना अभी यहाँ पे अपनी थोड़े से स्किन केयर प्रोडक्ट्स रख दिए हैं, बट यू कैन कीप एनीथिंग। आप इसके अंदर फ्लावर्स डाल सकते हो पानी के साथ, या आप अपनी वैनिटी रख सकते हो इसके अंदर, बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। एंड इसका जो कलर है ना वो एक बार फेड हो गया था, बट मैंने ना गोल्डन स्प्रे अपने पास ला के रखा हुआ है, तो मैं वो उस पर मार देती हूँ, एंड ये बिल्कुल दोबारा से न्यू हो जाता है। एंड ये ना उल्ली मुझे मिली है ओनली फॉर 250 रुपीज़, और 300 के अंदर मुझे मिली थी, एंड इसके अंदर ना ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग डील है, एंड काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। बाहर से कुछ इस तरह से लगेगी, एंड ये ना आपके बहुत ही ज़्यादा ओकेजन में काम आने वाले, स्पेशली दिवाली वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। यहाँ पे ना मैंने वॉल के लिए कुछ फ्रेम्स ऑर्डर किए थे, ये ना 3 का सेट है, तो एक सेट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, एंड नीचे वाला तो मेरा DIY है, तो जो अदर सेट है ना वो मैंने दूसरी वाली वॉल पे लगा दिए हैं, तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो जो अदर 2 है ना वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, एंड इस वॉल को ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रहा है ये 2 फ्रेम्स, एंड जैसे कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अगर बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, तो क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, एंड ये मुझे मिला था 186 रुपीज़ के 3, तो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक सी वाइब दे देंगे पूरी आपकी वॉल को। तो कुछ इस तरह से ये वॉल लग रहा है, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा, एंड एक लीफ मैंने यहाँ पे भी लगा दी है, एंड अगेन आई एम जस्ट लविंग दिस वॉल। आप यहाँ पे कुछ भी अपना पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो अगर आप मेरी तरह वीडियो लवर हो तो। तो कुछ इस तरह से लग रही है, कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी। तो जैसे ही बात करते हैं प्लांट्स की ना, तो प्लांट्स तो हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा चार चांद लगा देते हैं, जहाँ पे भी जिस कॉर्नर में भी प्लांट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो ये जो प्लांट्स है ना ये बहुत ही ज़्यादा अलग अलग आए हैं, मतलब ये सिंगल सिंगल लीफ है जो मैंने ना इस प्लांटर के अंदर लगा दिया है, मिट्टी के अंदर लगाया अभी मैंने इसको, बट लेट्स सी कि इसका क्या जुगाड़ करना है।
तो ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, सिंगल सिंगल लीफ है ये, यानी ना सेट ऑफ सिक्स मुझे मिली थी एंड ये मुझे पड़ी है ओनली फॉर 230 रुपीज़। तो एग्जैक्ट प्राइसेस जो होंगे ना मैं स्क्रीन के साइड में मेंशन कर दूंगी, बिकॉज मैंने लास्ट मंथ लिया था तो मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये कुछ इस तरह से लग रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये यहाँ पे इस कॉर्नर पे। तो अब बात करते हैं इसी के ऊपर वाली वॉल पे, तो मैंने ना यहाँ पे प्लांटर लगा दिया है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इस वॉल की बात करते हैं तो जो मिड वाला मिरर है ना वो तो मैंने बंजारा मार्केट से लिया है, बट सेम मिरर ना मैंने मीशो पे भी देखा था अराउंड 1500 समथिंग का। तो अगर आपको मीशो से लेना है ना तो यू कैन डेफिनेटली बाय इट फ्रॉम देयर, बिकॉज बंजारा मार्केट इज़ वेरी फार और मे बी अब वहाँ की जो बंजारा मार्केट है ना वो बंद भी हो चुकी है। तो लिंक ना ढूंढ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड अब मैं आपको वैसे दिखा रही हूँ जो साइड वाले मिरर्स है ना छोटे छोटे, तो ये मिरर भी ना मैंने मीशो से लिए थे एंड ये ना 150 के अंदर मुझे मिले थे। ये आई थिंक 10 मुझे मिले थे पूरे सेट। तो कुछ इस तरह से लगते हैं, प्लास्टिक के होते हैं एंड इसके ऊपर ना आपको ऐसे कुछ स्टिक करने के लिए मिल जाएगा एंड बाहर ना आपको सेलोफेन पेपर मिलता है जो आपको रिमूव करना होता है। एंड कुछ इस तरह से ये पूरी लुक दे रहा है जो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, आप किसी भी कॉर्नर पे इसको लगा सकते हैं। चल रही है होम डेकोर प्रोडक्ट्स की, तो कुछ इसी तरह ना मैंने ये विंटेज सी क्लॉक ऑर्डर करी थी मीशो से जो बहुत ही ज़्यादा स्टार ऑफ दी शो है एंड ये मुझे मिली थी ओनली फॉर 500 रुपीज़। और बहुत ज़्यादा एंटीक सी लगती है, अगर ये ख़राब भी हो जाएगी ना इसकी मशीन तो स्टिल ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो ये बोथ साइड वर्किंग है, मैं अदर साइड भी आपको इसकी एक बार दिखा देती हूँ। तो इसकी अदर साइड भी वर्किंग है, कुछ इस तरह से लगती है, बहुत ज़्यादा यूनिक सी लुक आ रही है पूरे घर में इससे, काफ़ी ज़्यादा सुंदर वाइब हो गई है। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी। सो जो एक आइटम था ना वो मैंने एक पीस यहाँ पे लगा दिया एंड इसके अंदर हमने लगा दिया है मनी प्लांट जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो ये जो प्रोडक्ट है ना ये तो काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल यूज़ हो सकता है, आप किसी भी चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ना मीटर बॉक्स है और टेम्प्रेरी मैंने इसको हाइड करने के लिए ना यहाँ पे लीफ लगा दिए हैं एंड अगेन ये लीफ ना मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे, ये सेट ऑफ 6 या 8 आया था मेरे पास, मे बी 8 और 10 आए थे, काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने कुछ किचन में लगा दिया था, कुछ मैंने इस बास्केट के जूट की बास्केट के अंदर लगा दिया है, कुछ इस तरह की वाइब दे रहा है एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगते हैं एंड ये मुझे मिले थे 250 रुपीज़ के अंडर। तो जो भी प्राइसेस होंगे ना जैसा मैंने आपको बताया कि मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, बिकॉज़ ये मैंने थोड़ा सा पहले ऑर्डर किया बट ये ना वर्थ है ख़रीदना एंड इसमें से ना अभी कुछ भी निकला नहीं है, ना इसके थ्रेड्स वगैरह कुछ भी नहीं निकले हैं। तो जो नेक्स्ट डेकोरेटिव आइटम है वो कुछ इस तरह से लगता है, सेट ऑफ 3 के ये ना MDF वुड पे बने हुए हैं एंड इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है एंड ये ना आपको प्लेन ही मिलेगा, बट यहाँ पे मैंने सिल्वर वाला मिरर ऐड कर दिया था जो मैंने बताया है अभी आपको मीशो से लिया था। तो कुछ इस तरह के इनके ना डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे, डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं एंड अगर आपकी भी कोई बेसिक सी वॉल है ना तो आप वहाँ पे इसको लगा सकते हो। तो ये मैंने अपनी मम्मी के रूम पे लगाया, बिकॉज इनको काफ़ी ज़्यादा बेसिक चाहिए था अपना रूम, तो बस ये तीनों ना मैंने यहाँ पे लगा दिया एंड ये मुझे मिले थे 250 रुपीज़ के, 250 के अंडर ही मिले थे, तो जो काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं एंड सभी प्रोडक्ट्स के लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो ज़रूर एक बार चेक कर लें। करी थी कुछ किचन के प्रोडक्ट्स, तो ना उनमें से एक है ये स्ट्रेनर वाली बास्केट जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो जैसे ही हम डिश वॉश करते हैं ना तो हम इसके अंदर रख देते हैं एंड इसमें ना यहाँ पे आपको ऐसे पानी निकलने का यहाँ पे एक स्लोप मिल जाएगा जहाँ से सारा पानी कलेक्ट हो जाता है और यहाँ पे ना पानी निकल के डायरेक्ट आपके सिंक के अंदर चला जाएगा। तो अभी तो मैं आपको प्रॉपर करके प्रैक्टिकली नहीं दिखा पा रही हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी फुल है एंड कुछ इस तरह से लगती है एंड ये मुझे मिली थी 350 रुपीज़ की। बट एक प्रॉब्लम है कि इसका ना साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो मुझे लगता है कि साइज़ ना थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, बट एनीवेज जितना है ना मतलब उतना यूज़फुल हो जाता है। तो कुछ इस तरह से लगता है एंड आपको ना ये डेफिनेटली लेना ज़रूर चाहिए। नेक्स्ट किचन प्रोडक्ट है ना वो कुछ इस तरह से है, तो ये ना डिश वॉश करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ है, इसमें ना आप अपना विम लिक्विड डाल सकते हो एंड जब आप इसको यहाँ से प्रेस करोगे ना तो यहाँ पे सोप आ जाएगा ईजीली, मतलब लिक्विड बाहर आ जाएगा एंड देन यू कैन ईजीली वॉश योर यूटेंसिल्स एंड ऑल, और बिल्कुल भी आपकी जगह को मैसी नहीं करेंगे, मतलब आपको यहाँ पे कुछ और रखने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, सॉर्टेड लगता है। तो ये मुझे मिला था ओनली फॉर 100 रुपीज़।
तो जो नेक्स्ट अमेजिंग प्रोडक्ट है ना, वो कुछ इस तरह से लगता है। ये ना आपको रैक मिल जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इसमें ना दो शेल्फ्स आपको मिल जाएगी, जिसमें फर्स्ट में तो मैंने टी एंड शुगर के लिए इसको रखा है, एंड सेकंड में ना मैंने कुछ ऐसे स्पाइसेस रखे हैं जैसे जीरा और अजवाइन वगैरह रखे हैं, बिकॉज हम इसका नॉर्मली सुबह उठ के पानी पीते हैं। और यहाँ पे ना इलायची भी रख देती हूँ मैं चाय वगैरह बनाने के लिए। तो कुछ इस तरह से लगता है, एंड इसको यूज़ करते हुए ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, एंड इसका बिल्कुल भी कलर नहीं उतरा है अभी तक, एज़ यू कैन क्लियरली सी। एंड ये मुझे मिला था 250 रुपीज़ का, और ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना कि मे बी हम इसको और ले लेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा, एंड मैंने सोचा डेफिनेटली मेरे को इसको आपको ज़रूर बताना है। एंड अब बात करते हैं ये ब्यूटिफुल से कंटेनर्स की, जार कंटेनर्स है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये सेट ऑफ 12 मैंने लिया था, 400 रुपीज़ का ये मुझे मिला था। एंड जब से मैंने ये लिया ना, बिल्कुल ज़्यादा किचन सॉर्ट हो चुकी है, बिल्कुल भी मैसी नहीं लगती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड जितने भी स्पाइसेस है ना इसके अंदर आ जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा प्रोडक्ट है। सो दोस्तों, ये थे कुछ मेरे मीशो के फेवरेट प्रोडक्ट्स जो मैंने आपके साथ आज शेयर करे हैं, एंड आई होप आपको पसंद आए होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, बिकॉज मेरे लिए तो ये प्रोडक्ट्स ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया। एंड अगर वीडियो पसंद आई होगी तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। बाय।